नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ इस स्कर्ट का रियूज़। तो बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही प्यारा रियूज है। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की स्कर्ट ली है और इसमें जो सिलाई लगी है उसको उधेड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने उधेड़ की दी है और इसमें से अब हमें 6 पीस बराबर साइज के कट करना है। तो इस प्रकार देखिए, पहले हम मेजरमेंट करके देख लेंगे कि 6 पीस बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखिए, इस प्रकार मैंने 6 फोल्ड कर दिया है इसको और अब हम माप के देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, इधर भी 12 इंच और इधर भी 12 इंच, तो 12x12 इंच के ये 6 पीस हमारे कट हो जाएंगे। तो अब इसकी करते हैं कटिंग। तो देखिए, 6 पीस हमें अलग अलग कट करने हैं। आप चाहो तो दो दो पीस की भी अलग अलग कटिंग कर सकते हो। तो देखिए, इस प्रकार मैंने कटिंग कर दी है। और देखिए, अब इसके लिए हमें अस्तर और फोम शीट चाहिए, या आप शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो या राइस बैग का भी। तो मैं यहाँ पर शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि आज मेरे पास फोम नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो, बहुत सारी यहाँ पर मेरे पास शॉपिंग बैग पड़ी है तो आज इन्हीं का यूज किया जाए। तो देखिए, मेन फैब्रिक शॉपिंग बैग और साड़ी का एक अस्तर लिया है कपड़े का, और इस प्रकार इसको क्विल्टिंग कर देंगे सिलाई लगाकर। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। ऐसे ही हमें बाकी पीस भी तैयार करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 ही पीस थे और इनको रेडी कर दिया है, बीच में शॉपिंग बैग रखते हुए और नीचे साड़ी का कपड़े का अस्तर लगाते हुए। तो देखिए, पीस हमारे रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई सा भी एक पीस लेना है और उसको बीच में रखना है और उसके आसपास और नीचे की ओर दो पीस और ज्वाइन करनी है। तो किस प्रकार ज्वाइन करने हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखिए, ये मेन पीस और अब इसके साइड में एक पीस हमें इधर की साइड ज्वाइन करेंगे और दूसरा वाला पीस लेंगे जो नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे और एक और पीस दूसरी साइड में ज्वाइन करेंगे। ऊपर की तरफ अभी नहीं करना है हमें। तो देखिए, इस प्रकार इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है और यहाँ पर हमारे 4 पीस ज्वाइन हो गए हैं। अब देखिए, इसके ऊपर की साइड में जितनी इसकी लंबाई आ रही है उतनी लंबी हमें जीपर लेनी है और जीपर को यहाँ पर अटैच कर देनी है। अब जीपर का एक पार्ट हमें वापस इसको अलग कर देना है और वापस से जो हमने एक पहले रेडी किया है पीस उसको लेंगे और उसको तीनों ओर जिपर अटैच करनी है। तो किस प्रकार अटैच करनी है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ एक कोने से हमें जिपर को अटैच करना शुरू करना होगा इस प्रकार, और देखिए दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, इस प्रकार तीन कोने पर ये जिपर अटैच कर देंगे। तो देखिए, जिपर यहाँ पर मैंने अटैच कर दी है, साथ में टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब रखते हैं इसको साइड में। अब हम दो हैंडल तैयार करने हैं होंगे। तो इसमें से जो भी कपड़ा बचा उससे दो स्ट्रिप तैयार कर ली है मैंने, जो 7 इंच लंबी है। और देखिए, साइड में इस प्रकार इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस प्रकार, तो देखिए ये हैंडल मैंने अटैच कर दिए हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी होगी। तो देखिए, नीचे की तरफ इस प्रकार इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, तो देखिए, तो अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। देखिए, नीचे की तरफ हमारी सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए जिपर में हमें रनर डालना है। तो देखिए, एक जिपर का एक पार्ट हमें इस पार्ट पर लगाया था और दूसरा पार्ट दूसरे वाले पार्ट पर लगाया था। देखिए, तो अब इनमें रनर डाल देंगे। तो इस प्रकार इसमें रनर डाल देना है। और अगर आपको रनर डालना सीखना है तो रनर डालने का एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है कि किस प्रकार आप रनर डाल सकते हो आसानी से। इसमें 4-5 तरीके बताए हैं मैंने रनर डालने के। तो देखिए, यहाँ पर रनर मैंने डाल दिया है। अब बचा है हमारे पास एक और पीस जो हमने पहले रेडी किया था, तो उसको इस प्रकार जो एक साइड में बचा हुआ है वहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो इस प्रकार पहले इसको उल्टा कर देना है और फिर इसके चारों ओर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, तो अभी मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। आप चाहो तो यहाँ पर एक कपड़े की पट्टी लेकर इसको फिनिश कर सकते हो। और अब कर देंगे इसको सीधा। और देखिए, बिना खर्चे से हमारा एक बहुत ही प्यारा स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही प्यारा बना है। थोड़ा नरम है क्योंकि इसमें हमने फोम शीट का या राइस बैग का इस्तेमाल नहीं किया था, इसमें शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया था। पर आप कुछ भी कपड़े रखोगे इसमें तो ये वापस इसकी शेप में आ जाएगा।
तो अभी मैं आपको कपड़े रख कर बताती हूँ। तो देखिए इसमें मैं दो ब्लैंकेट रखूँगी, दो ब्लैंकेट आसानी से आ जाएंगे। देखिए एक ब्लैंकेट पहले रख दिया है मैंने और अब नंबर है दूसरे ब्लैंकेट की। तो देखिए इस प्रकार, और आप चाहो तो यहाँ पर एक ब्लैंकेट और इसको दबा कर रख सकते हो क्योंकि अभी ये खाली है। तो देखिए हमारा, देखिए बिल्कुल भी इसमें खर्च नहीं लगा है। इसमें सारी चीज़ें मैंने पुरानी यूज की है, पुरानी साड़ी का कपड़ा यूज किया है अस्तर के लिए और पुरानी स्कर्ट और शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हमारी ये जीपर लगी है इतनी सी, और हमारा बहुत ही प्यारा स्टोरेज बैग बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार आपके पास भी कोई पुराने कपड़े हैं तो आप इस प्रकार यूज कर सकते हो और बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम बना सकते हो। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ऐसे पुराने कपड़ों के। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।